सलीम सर तो इसका ट्रांसलेट करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत लंबा ट्रांसलेशन एक साथ हो, टुकड़ों में करना पड़ेगा। ठीक है ठीक, थोड़ा लंबा करेंगे तो मुश्किल रहेगा, मुश्किल रहेगा लोगों को भी समझने में और उनको ट्रांसलेट करने में। राइट, टुकड़े में करेंगे, पर आप लोग को अपनी डायरी पेन ले लो, नोट्स बना लो, आपकी ग्रोथ और सक्सेस के लिए टॉपिक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नो ब्रेक फॉर एनीथिंग एंड आफ्टर दिस टॉपिक वी विल डू अ लंच ब्रेक, राइट? तब तक आप बिल्कुल शांति के साथ बैठे रहिए। सो दोस्तों तैयार हैं? यस, बहुत ही बढ़िया। तैयार होने के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, राइट, स्टैंड अप, अपनी जगह पर खड़े हो जाइए, जगह पर खड़े हो जाइए, फटाफट अपनी डायरी रख लीजिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक की बात करने वाला हूँ। ये इसके लिए आपका फिजिकली और मेंटली एक्टिव होना जरूरी है और अंदर अभी चूहे कूदने लगे होंगे, भूख लगने लगी होगी। यस सर, नो? यस यस। चलिए ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए। सो अपनी जगह पे जंप करिएगा, अभी आप अपनी जगह पे आपको 10 टाइम जंप करना है, 10 बार जंप करना है। 1 2, एक म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, राइट? अरे नहीं आ रहा, ये बॉल छत पे जानी चाहिए। आप जंप नहीं कर रहे, एक्टिंग कर रहे हैं, बाजू वाले को चेक करना है कि आप जंप से कम से कम 2 फीट ऊपर उठना है, 2 फीट ऊपर, ऐसा ऐसा ऊपर वाले नहीं कर रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भूकंप जैसे रिएक्टर स्केल का 5 का फील आना चाहिए, हो ही नहीं रहा है। दोबारा करिए, एक बार और। यस, आपके जो बाजू में लेफ्ट में जो पर्सन है, लेफ्ट में, उसको बोलिए गो प्राउड। बाजू वाले को हाई फाइव करना है, सभी को 1 2 3 बोलना, तब बोलना है 3 पे बोलना है, 1 2 3 गो प्राउड। तो आप में से कितने लोग अपने सपने पूरा करना चाहते हैं? प्लीज राइज, करना चाहते हैं? यस, वेरी नाइस। रोका किसने आपको? हेलो, रोका किसने आपको? मेरा दिल। तो जो मैं आज बात करने वाला हूँ, प्लीज अपनी जगह सेटल हो जाइए, थोड़ा सा डीपर लेवल का सब्जेक्ट है, आपको समझना होगा। और अच्छा, आप में से कितने लोगों ने बाइक चलाना सीखा है? प्लीज हैंड। बाइक चलाना सीखा है? यस, वेरी गुड। मोबाइल चलाना कितने लोगों ने सीखा है? कार चलाना, वेरी नाइस। तो बचपन से लेके आज तक हम इतने बड़े हो गए, हमने अपने लाइफ में बहुत सारी चीजों को चलाना सीखा है। यस और नो? यस यस, राइट। लेकिन एक चीज ऐसी है जो आपकी जिंदगी को चला रही है, एक ऐसी चीज है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर, एक ऐसा पावरफुल डिवाइस लगा रखी है ऊपर वाले ने आपके अंदर, जो आपकी जिंदगी को चला रही है। क्या कभी हमने उसके बारे में सोचा? राइट, वो डिवाइस कहां पर है बताइए, कोई मुझे इशारा करके।
एक ऐसी मशीन लगा रखी है ऊपर वाले ने जो आपकी पूरी जिंदगी लगा जिंदगी को ड्राइव करती है। किधर है वो दोनों हाथ? मैं आपके आपको मेरे साथ पूरे सेशन में बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जैसा मैं बोलूंगा वैसा आपको एक्टिविटी करना होगा। करेंगे मेरे साथ में? यस यस। क्योंकि जितना आप इन्वॉल्व होंगे रिस्पॉन्ड करेंगे उतना ज्यादा आप लर्न करने वाले हैं। तो बैठिएगा मत, जितना ज्यादा अलर्ट और एक्टिव होकर बैठेंगे उतना ज्यादा आप समझ पाएंगे। तो कौन सा एरिया है? सब लोग नहीं कर रहे, कौन सा एरिया है? जितने लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपना मोबाइल रख दीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग आपको अभी देखने वाले नहीं है, ये विनिंग टीम से आपको मिल जाएगी। क्योंकि एक हाथ आपका रिकॉर्डिंग पर रहेगा, आपका टेंशन जाएगा ही नहीं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मोबाइल मोबाइल साइड में रख दीजिए, बिल्कुल 100% रिलैक्स होकर सुनिएगा, समझिएगा जो आपको ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है, तभी आज आप इस टॉपिक को अच्छे समझ पाएंगे। तो कौन सा पार्ट है आपकी बॉडी का? माइंड है। ये जो चीज है जो आपकी पूरी जिंदगी को चला रहा है, लेकिन कभी हमें स्कूल कॉलेज में बताया नहीं जाता कि ऑपरेट कैसे करता है। आज आप इसके बारे में जानेंगे कि ये कैसे आपकी जिंदगी को ड्राइव कर रहा होता है। ऑलरेडी भैया ने बहुत